इंडिया में बर्ड फ्लू के केसेस बढ़ते दिख रहे हैं। WHO का कहना है कि देश में H9N2 का दूसरा ह्यूमन केस सामने आया है। बर्ड फ्लू का शिकार 4 साल का वेस्ट बंगाल का बच्चा बताया गया है। बच्चे को 26 जनवरी के दिन तेज बुखार और पेट में दर्द हुआ और 1 फरवरी को उसे लोकल हॉस्पिटल के ICU में भर्ती करा गया। बताया जा रहा है कि उस समय बच्चे को सांस आने में तकलीफ हो रही थी, बुखार कंट्रोल से बाहर था, अनबेरेबल एब्डोमिनल पेन था और सबके साथ उसे सीजर्स भी पड़ चुके थे। अगले ही दिन वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी ने बच्चे को इन्फ्लुएंजा बी और एडीनो वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया। 1 महीने के लगातार ट्रीटमेंट के बाद बच्चे को हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। रिपोर्ट्स का कहना है कि ये वायरस बच्चे को पोल्ट्री के कॉन्टैक्ट से यानी बर्ड्स के एक्सपोजर से हुआ हो सकता है और ये भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा का दूसरा ह्यूमन केस है। आपको बता दें कि H9N2 होता क्या है। ये इन्फ्लुएंजा ए का ही सब टाइप है जो वैसे तो बर्ड्स को होता है लेकिन ह्यूमंस में भी हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी का कहना है कि इस वायरस के सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं लेकिन इसके बावजूद ये बेहद खतरनाक है। अभी तक जो केसेस सामने आए हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है और कुछ केसेस में मौत भी हो गई है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बर्ड से या पोल्ट्री से दूरी नहीं रख सकते तो कोशिश करें कि आप जब भी बर्ड्स के आसपास हो तो ग्लव्स पहन के रखें, N95 मास्क या रेस्पिरेटर लगाएं और साथ ही आई प्रोटेक्शन भी जरूर रख ले। बर्ड से एक्सपोजर के बाद ग्लव्स को फेंक दे और अपने फेस एंड हैंड्स को अच्छे से वॉश कर ले। ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ लाइफ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।